हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल ए मार के ब्लॉग है, जिसमें करता हूँ मैं आपका स्वागत। तो आज हम बेसिकली बात करने वाले गाड़ी के इंटीरियर क्लीनिंग के बारे में। तो गाइस, अगर ये इंटीरियर क्लीनिंग आप अगर किसी शॉप पे जाके करते हो तो आपको ये 1500 से 2000 तक पे करना पड़ सकता है। पर गाइस, आप अगर ये खुद से घर पर करेंगे तो आपका ओनली 25 रुपीज़ में, यानी कि 25 रुपये में आप अपनी गाड़ी का इंटीरियर क्लीनिंग कर सकते हो। तो वो कैसे करेंगे, तो चलिए दोस्तों वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो भाई लोग, जैसे देख सकते हैं, ये जो अपना फर्श है ये पूरा काला हो पड़ा है और हम इसी को क्लीन करने वाले हैं। ये गेट की हालत कुछ ऐसी हो गई है, सेम हाल आगे का भी है। तो भाई लोग देखो, जैसे कि ये सीट है हमारी, यहाँ से ये ख़राब हो रखी है क्योंकि ये इसमें हम लोग ने मोटर लोड करके ले गए थे। और आप जैसे ऊपर देख सकते हो, जो ये गाड़ी का सीलिंग पोर्शन है ये पूरा काला हुआ पड़ा हुआ है, आपको वीडियो में दिख रहा होगा, तो जैसे आप देख सकते हो। और ख़ासकर जो हमारी गाड़ी के ये डोर वाला हिस्सा रहता है, ये देखिए दोस्तों, ये भी कुछ इस प्रकार से काला हमारी गाड़ी में लग जाता है। ये देखिए, ये ब्लैक कार्बन डस्ट की वजह से इस तरीके से हमारी गाड़ी ख़राब होती है दोस्तों। अभी क्या है, हमारा ये काम है और काम करना तो ज़रूरी है, जितना वीडियो बनाना ज़रूरी है उतना काम करना भी ज़रूरी है। तो अगर काम करेंगे तो ये काला होते रहेगा। आज हम इसी को क्लीन करने वाले हैं। तो गाइस, मेरे पास है 4 शैम्पू के पैकेट और एक ये स्पंज, बस यही दो चीज़ है। इससे आज हम हमारी गाड़ी क्लीन करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं इसको कैसे मिक्स करना है। तो दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं, हमने पंच को कर दिया पूरा, एकदम फॉर्म इसमें आ रहा है। देखो, ऐसा आपको इसको कर लेना है, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अभी हम आपको बताते हैं कि देखिए, जैसे ये है हमारा, अभी हम आपको इतने एरिया में इसको अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि यार ये कितना हमें दोस्तों इस प्रकार से यह लगना चाहिए, ये वाइट पन आना चाहिए, तभी आपका इंटीरियर एकदम क्लीन हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारी गाड़ी हो गई है एकदम क्लियर, क्लीन एंड नट। जैसे कि आप देख सकते हो, ये गाड़ी का डोर है और ये हमारी गाड़ी का इंटीरियर और ये हमारी गाड़ी की छत, या बोल सकते हैं सीलिंग।
उसके बाद ये है हमारी पीछे की सीट, और ये है फ्लोरिंग। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए और कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो अगर नहीं अच्छा लगा तो वीडियो को डिसलाइक करिए दोस्तों, उससे मुझे मोटिवेट मिलता है। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।